नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन ऑपरेशंस के बारे में, यानी कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बारे में, जिसमें कि फीमेल के ब्रेस्ट का साइज बढ़ाया जाता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ फीमेल्स में बाय जेनेटिक्स ही ब्रेस्ट का साइज छोटा रहता है, जिससे कि उन्हें अपने आप के कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती है और इस कारण भी वो ये इम्प्लांट डलवा सकते हैं। कुछ और कारणों से अगर ब्रेस्ट का साइज अनइवन हो गया है, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद, लैक्टेशन के बाद या वेट लॉस के बाद, तो तब भी ये प्रोसीजर किया जा सकता है। अगर दोनों साइड के ब्रेस्ट के साइज में डिफरेंस है, यानी कि एक बड़ा और एक छोटा है, तब भी हम छोटे वाली साइड में ये इम्प्लांट डालकर उनका साइज बैलेंस कर सकते हैं। प्रोसीजर कैसे किया जाता है? इसको करने के लिए डॉक्टर्स आपके ब्रेस्ट के टिश्यू के बैक साइड में एक स्पेस बनाएंगे, यानी कि जो मसल है चेस्ट की और जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसके बीच में स्पेस क्रिएट की जाएगी। इसके लिए एक इंसिजन लगेगा जो अलग अलग जगह पे हो सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट की अंडर साइड में, निपल एरियोला और जो नॉर्मल स्किन है उसके जंक्शन के बीच में, या फिर एक्सिलरी फोल्ड के जंक्शन पे। तो इन सब में से जब एक रूट तय करके डॉक्टर्स एक इंसिजन देंगे और उसमें से इम्प्लांट को अंदर इंसर्ट कर देंगे। इम्प्लांट दो तरह का होता है, एक सिलिकॉन इम्प्लांट है जिसको कि प्री फॉर्म्ड इम्प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि बना बनाया ही आता है और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका साइज डिटरमिन किया जाएगा। दूसरे सलाइन फिल्ड इम्प्लांट्स हैं, जिसमें कि पहले हम बिना सलाइन के इंसर्ट करते हैं और बाद में उसमें इंसर्शन के बाद सिलाइन भरते हैं, लेकिन आजकल सिलिकॉन इम्प्लांट्स ही ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं। इन्हें इंसर्ट करने के बाद जो कट लगा था उसे डॉक्टर्स स्टिचेस से बंद कर देंगे। ये स्टिचेस स्किन के अंदर ही अंदर भी हो सकते हैं और घुलने वाले भी हो सकते हैं, ताकि बाद में आपको इन्हें निकलवाना ना पड़े। जो इसका स्कार होगा वो काफी पतला होगा और धीरे धीरे वो दिखना कम होता जाएगा, लेकिन फिर भी उसका हल्का सा निशान रह ही जाएगा। सर्जरी के बाद आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी, इस एरिया को पे ड्रेसिंग की जाएगी और आपको कहा जाएगा कि कुछ दिन के लिए इसकी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करके रखिए, बहुत ज्यादा इस एरिया को एक्टिविटी में नहीं लाना है। धीरे धीरे जैसे घाव भरेगा आप नॉर्मल फील करने लगेंगे, आपकी पेन और स्वेलिंग धीरे धीरे उतर जाएगी और ये 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के बीच में यूजुअली डिसअपीयर हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं। जो स्कार टिश्यू है, यानी कि जो आपको एक कट लगाया गया है, उसका एक निशान हो सकता है कि वहां पर रह जाए और आपको देखने में अच्छा ना लगे। कुछ केसेस में ब्रेस्ट का टिश्यू आपके इम्प्लांट के साथ रिएक्ट करके उस वहां पर एक कॉन्ट्रैक्चर बना देता है, जिससे ब्रेस्ट का लॉन्ग टर्म में कुछ हद तक शेप चेंज हो सकती है। इम्प्लांट या ऑपरेशन के दौरान होने वाली इन्फेक्शन की वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये यूजुअली एंटीबायोटिक्स या एक हल्का सा कट देकर पस निकाल कर इसका इलाज किया जा सकता है। क्योंकि इम्प्लांट डाला गया है तो आपके सेंसेशन में चेंजेस आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट में आए, लेकिन कुछ पेशेंट्स की सेंसेशन में चेंजेस हो सकते हैं और रेयर केसेस में ये इम्प्लांट लीकेज या रप्चर हो सकता है, जिससे कि आपको इम्प्लांट निकलवाना पड़ सकता है। एक और बात जो ध्यान रखने वाली है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारे बॉडी का टिश्यू चेंज होता है और उसी तरह ब्रेस्ट का टिश्यू चेंज होने की वजह से भी ब्रेस्ट के शेप में आने वाले टाइम में एजिंग की वजह से चेंजेस आ सकते हैं। किनको ये प्रोसीजर नहीं करवाना चाहिए? अगर अभी आपको बेबी को फीड करना है, आपकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, तब आप इसे अभी अवॉइड कर सकते हैं टिल द टाइम आप बेबी को फीड कर रहे हैं। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है और आप वेट लूज करना चाहते हैं, चाहे नेचुरल तरीके से या बेरियाट्रिक सर्जरी से, तब भी पहले आपको वेट रिडक्शन करनी चाहिए और लास्ट में इम्प्लांट डलवाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आफ्टर इम्प्लांट ब्रेस्ट का शेप चेंज हो सकता है। अगर ब्रेस्ट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसे पहले ठीक करना पड़ेगा। वी होप कि ये वीडियो देखकर अगर आप इस प्रोसीजर को कंसिडर कर रहे हैं तो आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप ये प्रोसीजर अब और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से करवा पाएंगे। थैंक यू।